जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 15 अप्रैल के बाद का समय शुरू हो चुका है और मैंने लगभग 1.5 साल पहले ही कहा था कि शेयर मार्केट के अंदर वो कौन सा समय होगा जब हमें विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी या मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा जरूर मंडराएगा। दर्शकों, अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी जमा पूंजी की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए और आज के वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित ही वही बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो एक विशुद्ध रूप से ज्योतिषीय आकलन है और आप इसका उपयोग अपनी जमा पूंजी को बचाने में जरूर कर पाएंगे। दर्शकों, 15 अप्रैल के बाद से ब्रह्मांड के अंदर एक के बाद एक जो परिस्थितियां बनेंगी और जिस तरह का माहौल ग्रहों का होगा, सितारे जिस भाषा को बोलेंगे, वो साफ साफ ये कहते हैं कि आने वाला समय 31 दिसंबर 2025 तक का भारत के लिए भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी बहुत चैलेंजिंग वाला रहने वाला है। अब चैलेंजिंग रहेगा ये टाइम तो ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के लिए चैलेंजेस वाला हो और हम उससे अछूते रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वर्तमान के अंदर यदि आप कहीं भी इन्वेस्टेड हैं तो यहां आपको कुछ प्रिकॉशन जरूर लेने पड़ेंगे। यदि आपकी बैंक FDs हैं और बहुत मोटे अमाउंट की बैंक FD एक ही बैंक में है तो उसे आपको डाइल्यूट करना चाहिए, यानी कि उसे कई बैंकों के अंदर आपको ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप प्राइवेट बैंक के अंदर बहुत ज्यादा FD के रूप में पैसा नहीं रखेंगे। जो कुछ रखना है आपको सरकारी बैंकों का प्रयोग कीजिए और परिवार के सदस्यों के नाम से या उसको जितना आप छोटी रकम में डाइल्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की FD है तो आप परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो आप 5 लोगों के नाम से वो FD कराइए और 5-5 लाख रुपए की FD 2 अलग-अलग अकाउंटों में इस तरह से करके आप उसको मैनेज कीजिए ताकि एक ही व्यक्ति के नाम से 3 से 4 FD बने, अलग अलग बैंक में बने और इस तरह से आपका कहीं भी एक बैंक में एक्सपोजर 5 लाख रुपए से ऊपर ना हो। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिए यदि आप FD में इन्वेस्टेड हैं तो। अगर आप पहले से करवा के बैठे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप उसको तोड़वा लें और फिर इस तरह से करें, लेकिन यदि मान लीजिए किसी छोटे मोटे बैंक में अगर आपकी FD है तो उस FD को निकलवा करके किसी बड़े नेशनलाइज बैंक में आप जरूर शिफ्ट हो जाइए, ये आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। उसके अलावा दर्शकों, जो लोग सोने में इन्वेस्टेड हैं उन्हें भी प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए और जिन्हें अपने यूज के लिए गोल्ड खरीदना है तो उन्हें भाव देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपकी जरूरत है और जरूरत की चीज के लिए कभी भी भाव नहीं देखा जाता। लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड की अपॉर्चुनिटी अभी आपके लिए नहीं है और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर के अंदर भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, पार्शियली आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप चाहें तो सिल्वर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिल्वर में ना ज्यादा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा और ना बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आ सकती है भावों के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 60,000 रुपए के नीचे चांदी को जाना चाहिए। उसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको नए इन्वेस्टमेंट अगर करने हैं तो केवल और केवल SIP के माध्यम से आप करेंगे और SIP का भी आपका जो टेन्योर होगा उसका टाइम होराइजन आप कम से कम 5 साल का लेकर के चलिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। उसके अतिरिक्त यदि आप बहुत पहले से शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो यहां आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए और उस पैसे को आप अपने घर जरूर लेकर जाइए। दर्शकों, जो पैसा आप शेयर मार्केट में बनाते हैं वो तब तक आपका नहीं है जब तक आप उसकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं। आपका पोर्टफोलियो आपको बता रहा है कि आपने डबल कर लिए पैसे, तो मत मानिए कि आपके पैसे डबल हो गए हैं, क्योंकि जब तक आप उस पैसे को इन कैश नहीं करेंगे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा। शेयर मार्केट का एक सिद्धांत है कि जो पैसा आप घर ले गए वही आपका नफा है और जो भावों के अंदर दिख रहा है वो आपका नफा है ही नहीं। इसलिए पहले से यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो अपना प्रॉफिट बुकिंग करें,
पैसे को अपना घर लेकर जाएं, दिसंबर 2025 तक इंतजार करें और आपको लगता है कि यहां से कोई तेजी मंदी मुझसे छूट ना जाए, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि SIP के थ्रू आप मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यानी कि इक्विटी को सेल आउट करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके और फिर कुछ पैसे को आप SIP के जरिए मार्केट में लगाइए। दिसंबर 2025 के बाद मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए उन्हें आप अपनी इक्विटी मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको मार्केट से बाहर जरूर बैठना चाहिए। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। और यदि आप नए नए आए हैं और मार्केट में आप आना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय बिल्कुल भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। आप SIP के थ्रू ही इस मार्केट में एंट्री लीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। दर्शकों, ये मैंने आपको इक्विटी मार्केट के बारे में, गोल्ड के मामले में, सिल्वर के मामले में, हर जगह मैंने आपको बताया है। FD के रूप में आप क्या करते हैं उसके बारे में बताया। अब यहाँ एक बात आती है कि प्रॉपर्टी मार्केट के लिए हम क्या करें। तो प्रॉपर्टी मार्केट के लिए यदि आप एंड यूजर हैं, आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो आपको फिर भाव देखने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत है, आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा कर्ज लेकर के, अपने सर पर बहुत बड़ा बोझ बढ़ा करके आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद करके, चाहे वो फिर रहने के लिए क्यों ना हो, ये चीज आपको अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा और आप कहीं EMI पे नहीं कर पाए तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए यदि आप प्रॉपर्टी वैल्यू का केवल 20-30% या मैक्सिमम 50% तक अगर आप लोन ले रहे हैं, तब तो वो ठीक है, और EMI भी आपकी टोटल इनकम की 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए, तभी आप वर्तमान के अंदर एंड यूजर होकर के भी कोई प्रॉपर्टी अपने लिए खरीद सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी बेच करके आप दूसरी जगह पर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, यानी प्रॉपर्टी की आप शिफ्टिंग करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप सोच समझ करके निर्णय ले सकते हैं। यानी एक प्रॉपर्टी को बेचा, उस पैसे से हमने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली, ये काम आप जरूर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपने प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके आपको यहाँ लिक्विड कैश अपने पास जरूर जनरेट करके रखना चाहिए, ताकि मार्केट के अंदर किसी भी तरह की फाइनेंशियल कंडीशन के टाइम पर आप अपनी सुरक्षा जरूर कर सकें। दर्शकों, इसके अलावा आप यदि किसी भी तरह की नौकरी में हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो इस समय पर वर्तमान में कोई बहुत बड़े निर्णय आपको लेने से बचना चाहिए। वर्तमान में जो पोजिशन आपकी चल रही है, उसी को आप संभाले रखिए, यही आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ऐसा ना करें कि आप वर्तमान में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यार बहुत लंबा समय हो गया, अब नौकरी बदल लेते हैं, या कहीं और से हमको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है सैलरी में, तो चलो वहां शिफ्ट हो लेते हैं। ऐसी गलती आप ना करें। कम से कम दिसंबर 2025 तक बहुत विशेष कारण हो तो ही अपनी नौकरी बदलने का प्रयास करें। व्यापार के अंदर भी नए एक्सपेंशन से आपको बचना चाहिए। वर्तमान के व्यापार के अंदर आपकी स्थिति अच्छी है तो वहां आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन वहां भी आप इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा ऐसा ना करें जो आपकी वर्तमान की परिस्थिति को थोड़ा सा ऐसा कर दे कि जहां आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस ना कर पाए। यानी कि अगर कोई जमा पूंजी है और उसी को आप व्यापार में लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट से बोरिंग करके आप वर्तमान के व्यापार के अंदर भी अगर कोई पैसा लगा रहे हैं, तो ये गलती आपको अभी नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2025 के मध्य का ये समय ऐसा समय है जहां हमें विशेष सावधानी रखनी है। मार्केट यहां से बहुत ऊपर जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन यहां से एक शार्प फॉल आ सकता है ऐसा मुझे जरूर लगता है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन को देखें, ग्लोबल सिनेरियो को देखें, ग्रहों की परिस्थिति को देखें, मेरा फाइनेंशियल मार्केट का जो एक्सपीरियंस कहता है उसको देखें, तो यहां पर यह परिस्थिति ऐसी बनती है कि यहां हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दर्शकों, मैंने आज के वीडियो के अंदर आपको एक एक बात डिटेल में बता दी है। आप अपने अनुसार जैसा आपको उचित लगता है आप निर्णय लीजिए, और इस फाइनेंशियल मार्केट में अपने आप को कैसे सेव करना है वो आप जरूर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए, यानी बिना स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, और आप अगर ट्रेडिंग से दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर मार्केट की तेजी मंदी खेलनी है आपको, तो कॉल पुट के माध्यम से आप करें, ना कि लॉट को आप बेच करके या लॉट को खरीद करके आप करें। यानी कि कॉल पुट भी आपको बेचनी नहीं है,
कॉल पुट भी आपको खरीद के काम करना है, ताकि आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस आपको पहले दिन से पता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट आपका खुला हुआ है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना चाहिए। दर्शकों, ये मैंने आपको सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है, इसका फायदा आप अपने लिए उठा सकते हैं। मैंने लगभग साल डेढ़ साल के बाद में फाइनेंशियल मार्केट पर कोई वीडियो आपको दिया है, क्योंकि अब इसकी बहुत आवश्यकता है। अगला वीडियो हो सकता है मैं दिसंबर 2025 के आसपास दूं आपको फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, या बीच में अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि जहां आपको गाइड करना जरूरी है तो मैं ये बात आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के संदर्भ में सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है, इसका आप ध्यान रखें और अपने पैसे को सिक्योर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।